प्रथम चरण के पांचवें चक्र का कोविड टीकाकरण गुरुवार को 41 बूथों पर आयोजित किया गया। इनमें से कुल 4,718 स्वास्थ्य कर्मी की सूची जारी की गई। इनमें से 3,270 लोग ही बूथ पर पहुंच सके, उन्हें टीका लगाया गया। केवल 70% टीकाकरण हो पाया, जबकि पिछले टीकाकरण दिवस पर यह फीसद 82.4 था। बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण के प्रथम दिन शुक्रवार को 24 बूथों पर बुलाया गया है। 2 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार को प्रथम चरण का 5वां व अंतिम दिन था। हालांकि बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण के पहले दिन शुक्रवार को भी टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या लगभग 3,000 है। टीकाकरण सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। खोराबार में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को घबराहट हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में वह सामान्य हो गई। 5 फरवरी से दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। पहले दिन केवल 200 फ्रंटलाइन वर्करों को 2 बूथों पर बुलाया गया है। एक बूथ कमिश्नर कैंप कार्यालय व दूसरा डीएम कार्यालय में बनाया गया है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि दूसरे चरण के पहले दिन शुक्रवार को कमिश्नर जयंत मार्लिकर व डीएम के विजयन पांडियन भी टीका लगवाएंगे। पहले दिन के लिए 200 फ्रंटलाइन वर्करों की सूची जारी की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा, वहाँ लिस्ट है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, काम होगा तो उसको चेक कर लीजिए। रुके रहिएगा, अस्पताल के अंदर अच्छा चले तो फिर आते हैं, ठीक है। इसका 2 लगना है, एक आज लगा है आपको, एक 28 दिन के बाद लगेगा अगले महीने में 4 मार्च को आपको कोविड का नियम करना है, फॉलो करना है, हाथ धुलना, मास्क लगाना, ये सब आपको करना है। और कार्ड अगली बार लेकर आना है। अभी आपको आधी घंटा रुकना है यहाँ पे। टीका लगाया
सुनीता मिश्रा नाम है, स्टाफ नर्स SNCU। नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको टीका लग गया? जी। टीका लगने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस टीका को लेकर जो भ्रांति है तमाम, वो गलत फहमी है, ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो लगवाए हैं खुद, हमको कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सीमा SNCU स्टाफ, आज कोविशील्ड वैक्सीन लगाया और टीका लगने के बाद कोई अभी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं टीकाकरण को लेकर, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? वैसे तो कुछ भी नहीं कहना, जो भी फैलाई जा रही है उसके लिए तो वो सब गलत है। मतलब मुझे तो लगता है सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, मतलब कंपलसरी है। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा खान, जिला क्वालिटी कंसल्टेंट, जनपद गोरखपुर। आज मुझे COVID-19 के लिए जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन आई है वो मैंने लगवाया है आज, और लगवाने के बाद बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित टीका है ये। मुझे लगवाए आधा घंटा हो गया है, अब आधे घंटे के लिए मुझे यहाँ रोका गया था, अब मैं घर जा सकता हूँ, और ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है। और मेरा आह्वान है सभी जनता से कि सभी लोग इस टीके को अवश्य लगाएं, और COVID-19 जैसी महामारी को हम लोग इसी वजह से मात दे पाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इस टीकाकरण को लेकर, इस संबंध में क्या कहना? देखिए, ये भ्रांतियाँ सब गलत हैं, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद ही ये टीका मार्केट में आया है। सरकार इसको सभी कर्मचारियों को, सरकार अधिकारियों को, सबको लगवा रही है। ये बिल्कुल तरह से एक तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ तक आने के पहले ये काफ़ी ट्रायल से होके गुजर चुका है। डॉक्टर अंकित छापड़िया, MD मेडिसिन, छापड़िया हॉस्पिटल। आज मुझे कोरोना वैक्सीन लगी है कोविशील्ड कंपनी की, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। स्टाफ बहुत अच्छे से लगाए, सब बहुत प्रोफेशनल थे। अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उम्मीद ये है कि साइड इफेक्ट ना हो, जहाँ तक सुनने में आया है। और माइनर साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के होते हैं, जो फीवर होना था, सब बॉडी एक होना, वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमारा अनुरोध यही है कि जिनको भी मैसेज आ रहा है, सब लोग अपना टीका नियमित रूप से समय से लगा लें। ये इस टीके को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर कोई ध्यान मत दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हर एक टीके का कोई साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट बस बुखार आ जाना या शरीर में दर्द हो जाना, इतना ही है। बस किसी और अफवाह पर मत सुनिए, ये आपके सेहत के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको मैसेज आ रहा है, समय पर जाइए, टीका लगाइए और अवश्य लगवाइए। डॉक्टर नेहल छापड़िया, छापड़िया हॉस्पिटल। कोविड वैक्सीन, कोविडशील्ड, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी स्टाफ ने काफ़ी अच्छे से लगाया है, बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। मैम, जो इस टीके को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? हमें लगता है कि वो सब बस ऐसे ही हैं, बातें बस लोग फैला रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो कई दिनों से इसी दिन का वेट कर रहे थे, किस दिन हमें वैक्सीन लगे। यास्मीन खातून, डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल। नहीं, अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कोविशील्ड का कोवैक्सीन लगा, सॉरी, कोविड का कोशील्ड वैक्सीन लगा है। क्या इस टीका को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है बाहर, इस संबंध में आपकी क्या राय है? ये सब ऐसे ही फैलाया जा रहा है। जैसे टीकाकरण है तो कराना चाहिए सबको। इस दिन का इंतज़ार था कि भाई वैक्सीन आए, जिससे इतने सारे लोग इतने दिनों से परेशान थे, इसी दिन का इंतज़ार था जो कि आज है, तो उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए सबको। संजय पांडे, चीफ फार्मासिस्ट। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोविशील्ड लगा है। 4 तारीख मेरा आज ही मैसेज मिला था, तो कोविशील्ड लगा है। टीका लगने के बाद आपको किसी तरह कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो इस टीके को लेकर बाहर तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वैक्सीनेशन तो वैसे भी सेफ साइड रहता है।